बॉलीवुड के इन सात सितारों ने जब खुद खोले अपने राज, किसी ने पार्टनर को दिया धोखा तो किसी ने नहीं निभाई दोस्ती, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। मजाक में ही सही, लोग अक्सर ये कहावत कहते नजर आते हैं। बॉलीवुड में भी ये कहावत फिट बैठती है, जहां सेलिब्रिटी खुलकर जीना पसंद करते हैं और कई बार तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हुए बातें भी शेयर करने में गुरेज नहीं करते। आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऐसे ही चौंका देने वाले कंफेशन। चित्रांगदा सिंह, खूबसूरत अभिनेत्री, ने एक बार अपनी जिदंगी की निजी बातें शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें जीवन में एक बार सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। गोविंदा, अपनी मजेदार फिल्मों से सबको हंसाने वाले गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये मानना था कि उनका शादी से बाहर भी एक संबंध था। उन्होंने कहा था कि उनके फैंस को उनकी एक्टिंग से मतलब होना चाहिए। करीना कपूर अपनी फिल्मों में काफी स्टाइलिश दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीना अपनी जीन्स को हट तो नहीं धोती और कभी कभी तो एक ही जीन्स को पहनते हुए उन्हें महीना भी हो जाता है। ये बात करीना ने खुद बताई है। विद्या बालान, जहां देश भर में रिश्वत के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहां विद्या बालान को अपने नए घर के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। रणबीर कपूर ने एक बार खुद ये बात कबूली थी कि उन्होंने दीपिका के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कैटरीना से अपना रिश्ता शुरू करने की बात सोची थी। उनके मुताबिक जब आप कम उम्र में होते हैं तो आपको रिलेशनशिप का सही मतलब पता नहीं होता, इसलिए उनसे भी एक गलती हो गई। शाहरुख खान, मुझे दोस्ती निभानी नहीं आती। ये बात हम नहीं बल्कि खुद शाहरुख खान ने कबूली थी। उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों उनकी दोस्ती का अंत हमेशा बुरा क्यों होता है। ऋतिक रोशन, लाखों जवान दिलों की धड़कन। ऋतिक रोशन को देखकर आज कोई कह नहीं सकता कि उन्हें बचपन में हकलाने की समस्या रही थी। एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकारते हुए उन्होंने कहा था कि बचपन में इस आदत की वजह से उन्हें बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा था।